प्रभु आज आपको आजाद करेगा। जब आप प्रभु को पुकारेंगे तो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपकी ओर अपने ध्यान देगा और आपको हर एक संकटों से, हर एक विपत्तियों से आजाद करेगा। आइए आज के सुबह के वक्त में हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे उस महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर का जिन्होंने आपको सुरक्षित रखा है, आपके परिवार में हर एक लोगों को जीवित, भला, चंगा, सुरक्षित जीवित रखा है, उसका हम धन्यवाद करेंगे। वो कितना महान परमेश्वर है, कितना प्रेममय परमेश्वर है, जो हमेशा हमसे प्रेम कर, हमको कभी नहीं छोड़ता, असहाय हमको कभी नहीं छोड़ता, वो हमेशा हर वक्त हर समय हमारे साथ रहता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। जब हमारे ऊपर कोई भी विपत्तियां आती है तो प्रभु हमें बचाता है, हमें उन विपत्तियों से छुड़ाता है। आइए आज के सुबह में हम सबसे पहले प्रभु के एक वचन को देखेंगे और देखेंगे कि प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमसे क्या बातें करता है। हम वचन निकालते हैं भजन संहिता अध्याय 50 पद संख्या हम 15 को पढ़ते हैं। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। मेरे प्यारे मसीह भाई, प्रभु का वचन कहता है कि तू संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रभु का वचन आज कहता है यदि आज आप संकट में, कोई भी विपत्ति में है तो प्रभु को आज पुकारे। प्रभु ये भी कहता है कि मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यदि आज आप प्रभु को नहीं पुकारेंगे, प्रभु से नहीं मांगेंगे तो आप वैसे ही दुख सहते रहेंगे। लेकिन आज आपको प्रभु बोल रहा है कि संकट के समय मुझे पुकार। आज आपको प्रभु को पुकारना है, अपने दुहाई को देना है प्रभु के पास, प्रभु की दुहाई देना है। जब आप प्रभु की दुहाई देंगे तो प्रभु आपकी प्रार्थना को, आपके विनतियों को सुनेगा और उत्तर देगा, आपको उन चीज़ों से आज़ाद करेगा। जो भी बीमारियां, जो भी समस्याएं, जो भी ज़रूरत आपके जीवन में, उन सारी चीज़ों को प्रभु आज पूरा करेगा। प्रभु का वचन कहता है कि संकट के समय मुझे पुकार, यदि आप लोग पुकारेंगे नहीं तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा। इजरायली लोग प्रभु को पुकारे थे और प्रभु ने उनकी सुधि लिया और मूसा को उन्होंने भेजा, उनको छोड़ाया, गुलामियों से उन्हें आज़ाद कराया। यदि आज आपको भी गुलामी में, किसी प्रकार की गुलामी हो सकती है आपके जीवन में, कर्जे की हो सकती है, बीमारियां की हो सकती है, बहुत दिनों से बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं, लोगों के पास बहुत सारे कर्जे रहते हैं, लोन्स रहते हैं, यदि आज आप उन सारे गुलामियों में जकड़े हुए तो प्रभु आज आपको आज़ाद करेगा। आपको पुकारना पड़ेगा, जब आप प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु को बुलाएंगे, तभी प्रभु आपके पास आएगा। जिस प्रकार प्रभु की दुहाई दिया था दाऊद, तो दाऊद ने प्रभु को पुकारा, प्रभु से क्षमा मांगा और प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना। यदि आज किसी भी प्रकार की समस्याओं में आप क्यों ना हो, नशे में हो, आप आज़ाद होना चाहते हो, आप नहीं हो पा रहे हो, तो प्रभु को आज पुकारे, प्रभु आपको आज़ाद करेगा। व्यभिचार में पड़े हुए, चाहते हुए भी छोड़ नहीं पा रहे, तो प्रभु आज आपको छुड़ाएगा। प्रभु बोलता है कि संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। आज सचमुच प्रभु आपको छुड़ाएगा, आपको हर एक संकटों से, हर एक तरह की बीमारियों से आज आपको आज़ाद करेगा। आप लोग निराश ना हो, आप लोग दुख ना हो, जब आप लोग दुखी होते तो प्रभु दुख होता है। प्रभु अपने वचनों में कहता है कि हर समय आनंदित रहो। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यदि आज आपके जीवन में कोई भी दुख हो तो आप लोग निराश ना हो, आप लोग प्रभु को पुकारे, प्रभु आपको उत्तर देगा, आपको हर एक प्रकार के निराशाओं से आजाद करेगा। तो आइए आज के सुबह में सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा और आज आपको आजाद करेगा, क्योंकि प्रभु ने वादा किया अपने वचनों में, उन्होंने बोला है कि तू मुझे पुकार, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। तो सचमुच आज प्रभु छुड़ाने वाला है। आप लोग विश्वास करें प्रभु के इन वचनों पर और दिल से, आत्मा से, मन से प्रभु को पुकारे, अपनी आत्मा से, अपनी आहें भर कर प्रभु को पुकारे, जैसे हो वैसे प्रभु को पुकारे। और हर एक लोग प्रार्थना करने के लिए अपनी आत्मा को, अपने दिल को, अपने मनों को खोल दे। आज सब मिलकर आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते मेरे महान सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने वाले हे मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे मेरे प्रभु जी, आप दयालु हैं, आप दया सागर हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आप संकटों के समय जो तुझे पुकारता है मेरे पिता परमेश्वर, आप उनकी सुधि लेते हैं, आप उन्हें छुड़ाते हैं, उन्हें आज़ाद करते हैं। हे मेरे प्रभु जी, आज के सुबह के वक्त में मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। हर एक भाई बहन को अपनी उपस्थिति में बुलाने के लिए मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमें जीवित सुरक्षित रखा है, भला चंगा रखा है मेरे पिता, और हर एक लोगों को प्रभु जी एक साथ उपस्थित होने का मौका दिया मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे प्रभु जी, हम रात को सो गए थे मेरे पिता, लेकिन प्रभु जी आपने हमारी रक्षा की, हमारे घरों की रक्षा की, हर एक लोगों को, हमारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को प्रभु जी सुरक्षित, जीवित, भला चंगा रखा। हे मेरे पिता परमेश्वर, हे मेरे प्रभु जी, हम आपका
धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपने अपने वचनों में वादा किया मेरे पिता, आप सत्य प्रतिज्ञ है मेरे प्रभु जी, आपकी सत्य प्रतिज्ञता प्रभु जी हमारी ढाल है मेरे पिता परमेश्वर। हम आपकी सत्य प्रतिज्ञता पर विश्वास करते हैं प्रभु जी, हम आपके वचनों पर विश्वास करते हैं। आज के सुबह में प्रभु जी अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें की है मेरे पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हे मेरे प्रभु जी, आज के सुबह के वक्त में मेरे पिता जितने भी भाई बहन है मेरे प्रभु जी, हम हर एक लोगों को प्रभु जी आपके लहू में देते हैं, आपकी उपस्थिति में देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और आज प्रभु जी जो आपने वचन बोला है मेरे प्रभु जी उस वचन से हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपने बोला है मेरे प्रभु जी कि संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुम्हें सुनाऊंगा मेरे पिता परमेश्वर। आज प्रभु जी हर एक लोगों को संकटों से आजाद कर प्रभु जी, विपत्तियों से आजाद कर मेरे पिता परमेश्वर। जिनके ऊपर कोई भी विपत्तियां क्यों ना पड़ी हो मेरे पिता परमेश्वर, आज तो उन्हें आजाद कर हे मेरे प्रभु जी, उन्हें हर एक प्रकार की विपत्तियों से आजाद कर प्रभु जी, उन्हें प्रभु जी हर एक प्रकार की बंधनों से आजाद कर मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे प्रभु जी, जो लोग व्यभिचार में पड़े हुए मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी उन व्यभिचार से वो लोग निकलना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी तू उन लोगों पर दया कर, उन्हें हर एक प्रकार के व्यभिचार से प्रभु जी आजाद कर मेरे प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक बंधनों को तोड़ दे, व्यभिचार के बंधनों को जला दे मेरे खुदाबंद मेरे पिता। हम आपसे विनती करते हैं मेरे प्रभु जी। और प्रभु जी जो लोग नशे में प्रभु जी, उन लोगों को नशों से आजाद कर, नशों के बंधन से उन्हें आजाद कर हे मेरे प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं, थैंक यू लॉर्ड जीसस, पवित्र आत्मा जी, हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु जी, हम आपसे विनती करते हैं हे मेरे प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना को हमारी विनतियों को सुन मेरे पिता, और दया कर मेरे प्रभु जी, प्रभु जी उन्हें छुड़ा मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे प्रभु जी, जिन घरों में अशांति मेरे पिता प्रभु जी, तो उन घरों में शांति को बरसा मेरे पिता हे मेरे प्रभु जी। और जितने लोग प्रभु जी आज प्रभु जी चल नहीं पाते प्रभु जी, देख नहीं पाते मेरे पिता परमेश्वर, बेड से उठ नहीं पाते मेरे पिता परमेश्वर, तो उन लोगों पर दया कर प्रभु जी, अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उन्हें स्पर्श कर और उन्हें चंगा उन्हें स्वस्थ कर मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें हर एक प्रकार के दुखों से विपत्तियों से आजाद कर हे मेरे प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे प्रभु जी जितने भी भाई बहन प्रभु जी आज जॉब की तलाश में है प्रभु जी, आज जब प्रभु जी वो अपने घरों से निकले मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आज जो भी कार्य सोच कर निकले मेरे प्रभु जी, उनका हर एक कार्य को सफल कर, उन्हें हर एक प्रकार की विपत्तियों से प्रभु जी आज के इस दिन में बचा के रख मेरे पिता। आज प्रभु जी जितने भी भाई बहन, जितने भी माता पिता, जितने भी बच्चे आज अपने घरों से निकले प्रभु जी उनकी सुधि लिए मेरे पिता परमेश्वर, अपने दूत को ठहरा मेरे प्रभु जी, वे जहाँ कहीं भी जाए मेरे प्रभु जी, वे सुरक्षित और जीवित प्रभु जी वापस अपने घर तक पहुँचाए हे मेरे पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं और उन सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु जी, और हर एक प्रकार के प्रभु जी दुख बीमारियों से आजाद कर उन्हें प्रभु जी। जितने लोग प्रभु जी आज बीमार है मेरे पिता परमेश्वर, तो उन्हें आजाद कर मेरे प्रभु जी, और जितने लोग कर्जे में मेरे प्रभु जी उन्हें आजाद कर, चाहे प्रभु जी कितने भी बड़े कर्जे क्यों ना, चाहे कितने भी बड़े बीमारियां क्यों ना मेरे प्रभु जी, आपके लिए कोई भी चीज़ प्रभु जी असंभव नहीं मेरे प्रभु जी। प्रभु जी आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी आप सामर्थ्य हैं, आपने हमें बनाया है मेरे पिता, आपके हाथों में जीवन और मृत्यु है मेरे पिता। हम सारे भाई बहनों को, माता पिताओं को प्रभु जी, बीमारों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु जी हर एक बच्चों का भविष्य प्रभु जी उज्ज्वल बना। जितने लोग प्रभु जी आज आपको दुहाई दे रहे हैं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें मेरे पिता, तो उन लोगों को प्रभु जी तो उन लोगों को उत्तर दे मेरे पिता परमेश्वर, और उनकी प्रार्थना सुन मेरे प्रभु जी, और उनके बच्चे को प्रभु जी, उनके जीवन को प्रभु जी, उनके भविष्य को प्रभु जी तू उज्ज्वल बना हे मेरे पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं और प्रभु जी उन सारे भाई बहनों को आपके हाथों में आपके लहू में देते हैं हे मेरे प्रभु यीशु, तू दयालु है, तू दया कर प्रभु जी, तू शांति दाता है प्रभु जी, तू उनके जीवन में शांति वर्षा, चंगाई दाता है मेरे प्रभु जी, तू चंगाई वर्षा मेरे पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं और हर एक लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। आज के सुबह में हर एक लोगों की रखवाली करना प्रभु जी, और हर एक प्रकार की संकटों से दुर्घटनाओं से बचा के रखना मेरे पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं और प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन।